हथियार ला रहे हैं। चंदू भाई छोड़ेंगे नहीं यार टप्पू सेना को, एक एक को ढूंढ ढूंढ के फोड़ूंगा, देखना पहचानता नहीं है चंदू चिल्लार, पंगा लिया अभी दंगा होएगा। ए चलो रे चलो रे। ओके ओके पोपटलाल, चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। टप्पू सेना डेंजर में। जेठिया मुझे ये बता अभी तुम लोग कहाँ हो? हम लोग रामनगर चाल में। ठीक है ठीक। अरे कहाँ गए लोग? सब लोग मेरे साथ चलो। चले आ जा, पाट लगा देंगे। चंदू चिल्लर नाम है मेरा खिलाड़े। बोलिए बेटा कहाँ तुम लोग? किधर गए? चले इधर चल। भाई साहब इधर से कुछ बच्चों को दौड़ते हुए देखा आपने? नहीं भाई साहब मैं नहीं देखा। कोई बच्चों को आपने भागते हुए देखा? एक बच्ची है इनके सोनू, सरदार जी का बच्चा है, और एक आदि बच्चा मोटा सा बच्चा है, ऐसे 4-5 बच्चे इधर से भागते हुए देखा? स्कूल बैग है सबके पास, स्कूल बैग लेके भाग रहे थे सभी। नहीं एक एक करके बोलेंगे। हाँ क्या हुआ पत्रकार तुम्हारे बच्चों को? नहीं मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो फिर फोन क्यों किया? वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के जो बच्चे हैं ना टप्पू सेना, उनके पीछे कुछ गुंडे हाथ धोकर पड़ गए। अरे हाथ धोके नहीं पड़े भाई, वो हॉकी स्टिक और वो स्टंप लेके पीछे पड़े मारने के लिए। उनकी जान को बहुत खतरा था, पीछे दौड़ रहे हैं सब लेके उनके। वो बोल रहे थे कि मार डालेंगे तो डालेंगे। पाटिल जी सर, हमारे होते हुए हमारे इलाके में इन मासूम बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। सॉरी सर। कहाँ भागे वो गुंडे? पता नहीं, अभी यहाँ इतनी सारी छोटी छोटी गलियां हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई तो गली होगी। अरे साहब भूल भुलैया है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। देखता हूँ किधर जा रहे ले, वो लोग छोड़ेगा नहीं आज। अरे साहब बोल रहे कहाँ? हो रहे हैं ये पुलिस। वही है वो लोग। मुंह का देख रहा, पीछा करो उनका। अरे क्या हुआ? दिक्कत निकल। अरे नहीं ऐसा मत कीजिए, अपनी नहीं, अपनी नहीं है वो, अपनी नहीं है पांडे जी। सॉरी है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। अरे भाई छोड़, अभी क्या स्त्री करके भी देगा? सॉरी सॉरी। सब है ना बराबर? हाँ सब है। तो फिर रुका क्यों? चलो चलो चलो। अरे क्या है? इसी गली के किसी एक घर में। हाँ, क्या कहना चाहता है? इस गली के घर में क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, कानून की मदद कीजिए डॉक्टर साहब। ये बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आप बोल रहे हैं। चालू जी, पांडे जी, आप जरा चुप रहेंगे तो बोल पाएंगे ना। आपने पूछ लिया क्या है तो बोलिए हाथी भाई। इसी गली के किसी एक घर में बहुत अच्छी बिरयानी बन रही है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैंने क्या किया? अरे हाथी भाई ये क्या? सॉरी सॉरी कंट्रोल। अरे पांडे साहब, जिसे अरेस्ट करना उसे पकड़े ना। चलिए थक गए ना? नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग कब तक इस तरह ढूंढते रहेंगे? मैं टप्पू सेना को इस ओर ढूंढता हूँ, आप लोग उस ओर ढूंढिए।
हाँ, लेकिन याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? लगता है गांव गए हैं, चलो और कहीं चलते। कहाँ गया होगा? कोई पुलिस का हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे पुलिस हो रहा, ये भाग रहे। ये भागो रे पुंत्रु लोग, कोई भी पुलिस के हाथ में नहीं आएगा, भागो रे। अरे 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 ये तो किसको पकड़ लिया? बापू जी और आप लोग सब यहाँ? ए क्या हुआ, क्या हुआ? ए ये बाबा हाँ भाई सब रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? ओहो तुम लोग गली मुझे कहीं भी छोड़ के आते हो, अब मैं वो गुंडे को कैसे पकड़ूंगा? अरे गुंडा पकड़ में आ गया, यही है वो गुंडा, बापूजी ने पकड़ लिया इसे। जैसालाल पकड़ा तो तुमने इसे? नहीं नहीं मतलब बापूजी ने पकड़ के मुझे दिया और मैंने इसको संभाल कर रखा है आपके लिए। ओह थैंक यू चाचा। ये बापूजी के लिए ओ सॉरी, वो चश्मा पहना है ना, आपने मालूम नहीं पड़ता कहाँ देख रहे हैं आप, सॉरी। चाचा जी बहुत बहुत थैंक यू पुलिस की आपने मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब क्या हो रहा है, जेठिया टप्पू सेना कहाँ है? अरे चाचा जी वो भी इसी गुंडे को पता है टप्पू सेना कहाँ है। ये गुंडा टप्पू सेना को मार डालूंगा तो डालूंगा ऐसे बोल रहा था। बोल बोल तोड़ेगा टप्पू सेना को ना, इंस्पेक्टर साहब के सामने बोल, बोलो तोड़ो टप्पू सेना को, तोड़ो, बोलो। बोल टप्पू सेना कहाँ है? नहीं मालूम। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। साहब सच में नहीं मालूम, अपन खुद टप्पू सेना को ढूंढ रहे हैं। अरे फिर क्या, गुंडे को नहीं मालूम टप्पू सेना कहाँ है, पुलिस को नहीं मालूम टप्पू सेना कहाँ है, हमको नहीं मालूम, तो फिर आखिर टप्पू सेना गई कहाँ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया? ये पता है टप्पू सेना किधर है? बेटा तुम हमें टप्पू सेना के पास ले जाओगे? चलो चलो बाबूजी जा कहाँ रहे? अरे टप्पू सेना बच्चा, इसको पता भी है कि नहीं भाई? बच्चे भगवान का रूप होते, कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ लेकिन अभी कहाँ लेके जा रहा है? बेटा किधर है टप्पू सेना, लिए जा रहा है गली गली। अरे टप्पू सेना फॉर एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग है APPLE। चलो सब लोग लिखो लिखो। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। 2 1 2 वेरी गुड वेरी गुड, अभी लिखो 2 1 2। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखो, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। टट्टू 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 तुझे कोई मिलना है?
दादाजी, पापा, मम्मी, आप सब यहाँ? टप्पू बेटा, ये सब क्या है? तुम सब लोग तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल में जाते थे ना, तो यहाँ कैसे? देखिए, इन्हें डांटिए मत। ये टप्पू सेना बहुत अच्छी है। हमारी चाल के बच्चे ये टप्पू सेना के वजह से अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। दादाजी, दरअसल इन्हीं बच्चों के लिए हमने आप सबसे एक्स्ट्रा क्लास का झूठ बोला था। हम पिछले कई दिनों से इन सब बच्चों को ही पढ़ाने आते हैं। क्या बोलते बाबा, हमने आपसे जो पैसे लिए थे वो हमने इन बच्चों की ही किताबें और कपड़ों के लिए खर्च किए हैं। और पहले दिन भी हमने अपने पिगी बैंक से रुपए भी इसीलिए निकाले थे। अरे लेकिन टप्पू सेना, तुम लोग को हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ सॉरी भीड़ अंकल, दरअसल हमने झूठ डर की वजह से बोला। डर? कैसा डर? पापा, हमें डर था कि हमारे फाइनल एग्जाम की टेंशन की वजह से आप हमें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देंगे। और मम्मी, जैसे हमारी फाइनल एग्जाम्स है, वैसे इन बच्चों की भी फाइनल एग्जाम्स है। लेकिन इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और अगर हम इन्हें पढ़ाने नहीं आते तो ये एग्जाम में पास कैसे होते? इसीलिए हम सब ने इनको पढ़ाने का मिशन बनाया। लेकिन टप्पू बेटा, तुम यहाँ आके इन मासूम बच्चों को पढ़ाओगे, ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? बताता हूँ मेहता अंकल, परसों जब हम स्कूल जाते वक्त स्टेशनरी शॉप पर किताब लेने गए, वहाँ पर माय गॉड, इतनी भीड़ क्यों है? एग्जाम्स की डेट मिलते ही स्टेशनरी शॉप पर भीड़ शुरू हो जाती है। स्कूल में लेट हो जाएगा, अभी देखना। तो क्या? अरे चोर 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 चोर, पकड़ो उसे! अरे पकड़, अरे पकड़ो उसे, भाग नहीं जाए! चोर 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 चोर, अरे पकड़ो चोर को, पकड़ो, अरे पकड़ो चोर को, भाई साहब, अरे भाई साहब क्या देख रहे हो, पकड़ो उसको, पकड़ो उठो, पकड़ो उठ, चोरी करते हैं, शर्म नहीं आती, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, मत मारो, चोरी करेगा? मारो नहीं, आगे से चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मत मारो, मत, नहीं 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 करेगा, बुक के लिए मार रहे, मत मारो, आगे से चोरी नहीं करूंगा, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। क्या हुआ दोस्त, तूने किताबें क्यों चोरी की? पढ़ने के लिए। मेरा बाप सिंचना बेचता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे स्कूल भेज सके। मुझे भी तुम लोग के जैसा पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है। हमारे एरिया का गुंडा भी चंदू चिल्लर, वो भी हमें पढ़ने नहीं देता। हम जैसे गरीब बच्चे कैसे पढ़े, कौन हमें पढ़ाएगा? सुन, आज से टप्पू सेना तुम्हें पढ़ाएगी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे एरिया के सभी बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, सच? हाँ, सच।
है छोटू। छोटू यहाँ पर आ। दादाजी ये है छोटू। इसकी पढ़ाई की जिद, लगन और हौसला देखकर हमें मिशन एक्स्ट्रा क्लास का आइडिया आया। और इनको पढ़ाने में हमने हमारी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा है। हाँ बाबा, हमने दिन रात दिल लगाकर पढ़ाई की है। और दादाजी, इन सब के बीच में आकर हमें एहसास हुआ कि हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें आप सभी की तरह जी जान से प्यार करने वाले माँ बाप मिले। आई बाबा, अब हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। हमारी पढ़ाई, किताबें, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब शौक पूरे करने के लिए आप कभी मना नहीं करते हो। लेकिन पापा मम्मी, इनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वो सारी चीजें बांटे, वो सारी चीजें शेयर करें जो आपने और भगवान ने हमें दी है? क्योंकि पढ़ना लिखना इस देश के हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। रुकना यार, कहाँ जा रहे थे? वो लोग अच्छी बातें करें, सुनने दे, तू भी सुन। और दादाजी, अगर इन बच्चों को सही दिशा नहीं मिलती तो ये भटक कर गलत रास्ते पर चले जाते। हाँ, और इन्हें जुए जैसी बुरी लत भी लग सकती है। इंस्पेक्टर अंकल, ये चंदू चिल्लर यहाँ के सभी बच्चों से जबरदस्ती कचरा उठाने का, भीख मांगने का और जुआ खेलने का काम करवाता है। तो इन मासूम बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहता था? क्यों? क्यों? अपुन को लगा कि ये बच्चे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपुन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इसलिए अपुन इन लोग को पढ़ने से रोक रहा था। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उसको भी ऐसे ही अनपढ़ रख के उससे भी ये सब काम करवाता तू? अभी माफ कर दो ना साहब। ए, उससे माफी मांगता है, मुझसे माफी नहीं मांग सकता? हाँ, इतना क्या ईगो है तेरे को? अभी माफ कर दो ना साहब। चल माफ कर दिया। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उसको भी ऐसे ही अनपढ़ रख के उससे भी ये सब काम करवाता तू? अभी माफ कर दो ना साहब। पापा, इनका बेटा होता नहीं है। चंदू भाई, तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ पढ़ रहा है, वो देखो। बबलू, बाबा मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, अरे शीख जरा ऐसा करना कहीं तेरी शीख। देख देख, तू इसी टप्पू सेना के हाथ पैर तोड़ना चाहता था और यही टप्पू सेना तेरे बच्चे का भविष्य बना रही थी। शर्म आती है तेरे बगल में भी खड़ा रहना। टप्पू सेना, ये चंदू चिल्लर हाथ से कसम खाता है, आज के बाद अपन किसी भी बच्चे लोग को पढ़ाई करने से नहीं रोकेगा और अपन के बच्चे को भी पढ़ाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। शाबाश। और अपन खुद भी पढ़ेगा। चंदू भाई, तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमें उम्मीद है कि हमारी तरह ये सारे बच्चे भी एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। क्यों बच्चों, पास हो जाओगे ना? हाँ, पास हो जाएंगे। और तू? मैं भी पढ़ूंगा साहब। पास तो होगा ना? हाँ। ठीक है। वाह वाह। और बच्चों, जीवन में कभी भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए या कठिनाई का सामना करना पड़े तो पता है ना क्या करना है? वाह टप्पू सेना वाह, कितने नेक और सच्चे विचार है टप्पू सेना के। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे टप्पू सेना को तहे दिल से सैल्यूट करता है। दोस्तों सलाम है टप्पू सेना को, सैल्यूट करता हूं मैं टप्पू सेना के मिशन एक्स्ट्रा क्लास को।
गोकुलधाम निवासियों को जब तक टपू सेना के इस मिशन की असलियत पता नहीं थी, तब तक उन्हें टपू सेना की हरकत कांटे की तरह चुभ रही थी। लेकिन जैसे ही असलियत पता चली तो फूलों से खुशबू आने लगी साहब। एक चीज जिंदगी में हम सब लोगों को सीखनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति के पास नहीं होती। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, इसलिए हमारे पास जो चीजें हैं वो हमें बांटनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे हैं तो जरूरतमंद को देनी चाहिए, हंसी बांटनी चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए, और शिक्षा तो जरूर बांटनी चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्योंकि जितने चीजें आप बांटेंगे ईश्वर 10 गुना करके आपको लौटाएगा। और दोस्तों टपू सेना के इस मिशन में अब और भी लोग जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जब दीप से दीप जलेगा तो ज्ञान की रोशनी होगी चारों ओर। लेकिन अब ये मिशन आगे कैसे बढ़ेगा और क्या होगा इस मिशन एक्स्ट्रा क्लास में, ज्ञान की रोशनी किस तरह फैलेगी, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।